एटा के शहर कासगंज में बस की प्रतीक्षा कर रही मां बेटी को कार ने टक्कर मार दी, जिससे 7 वर्षीय बालिका की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मां गंभीर रूप से घायल हो गई। मामला सहावर थाना क्षेत्र के गांव पर बने बस प्रतीक्षालय का है, जहां बहादुर नगर को जाने के लिए बस का इंतजार कर रही मां बेटी को बोलेरो गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिसमें 7 वर्षीय निशा की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मृतका की मां रोशनी गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना को अंजाम देकर बोलेरो गाड़ी फरार हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को सहावर के CHC में भर्ती कराया। मृतक बच्ची का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने मामले की दर्ज कर गाड़ी की तलाश शुरू कर दी है। बिलोरो तो हुई है, लाल गाड़ी थी बिलोरो। तो ये यहाँ एक्सीडेंट हुआ, ये वहाँ पे क्या कर रहे थे? बैठे थे, बस का इंतजार कर रहे थे। कहाँ जाने के लिए? बहादुर नगर जाने के लिए। तो एक्सीडेंट कैसे हुआ? बच्ची बैठी थी उधर से गंडवारे लंग से गाड़ी आ रही थी और वो मार के चली गई। तो उस गाड़ी का कोई सुराग लगा? अभी तो सर नहीं लगा है, और लग गया होगा तो बताना रहे, ये कोई भी लग तो गया होगा, ये तो मैं बता रहा हूँ लग गया होगा, मगर कोई बता नहीं रहा है। मालूम तो सब पड़ गई है ये बात। तो अब ये है, क्या कार्रवाई हो रही है? अब कुछ नहीं हो रही है, हम तो ऐसी लड़की को यहाँ पर है, कुछ नहीं हो रही कार्रवाई, और क्या हो रही है? पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही? अभी तो कुछ नहीं हो रही है, कार बिना लड़की उठ के आती। तो आप क्या चाहते हो? गाड़ी पकड़ी जाए वो, फिर तो हम करेंगे तो कर ही लेंगे उसका। तो आपने ये तहरीर वगैरह दी है क्या थाने में? हाँ तहरीर भी दी है। एक बच्ची अपनी माँ के साथ सड़क पर खड़ी थी, सहावरगंज भिंदवारा रोड पर, तभी एक वाहन से टक्कर हो गई। बच्ची की माँ मौके पर डेथ हो गई, माँ भी घायल हो गई, जिसको ट्रीटमेंट के लिए भिजवाया गया। थोड़ी देर के लिए आक्रोशित होकर लोग सड़क पे आ गए, उन्हें समझा बुझा करके वापस भेज दिया गया। नियमानुसार पंचायतनामा भर के और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। एटा से RB द्विवेदी की रिपोर्ट।